हेलो दोस्तों, तो फिर से आपको पार्ट टू में आपका स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और अगर अपने पार्ट वन नहीं देखा है तो देख लो जाके। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे 16:9 का प्रोजेक्ट ले लेना है। आपको यहाँ पर मीडिया ब्राउजर में जाना है, वहाँ पर इमेज असिस्ट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर आपको कोई सी भी इमेज ले लेना है। यहाँ पर इमेज का हमें कोई काम नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो इसे अपने हिसाब से जितना बड़ा आपके गाने का साइज हो उस हिसाब से इसे फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद हम इसमें कुछ इस तरीके से सॉन्ग को ऐड करेंगे। तो आप कोई सा भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पर इस सॉन्ग को ले लेता हूँ और मैं इस सॉन्ग को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद मैं इसे अपने हिसाब से कट आउट करूँगा। तो मैं इसे अपने हिसाब से काट रहा हूँ, आप भी देख लेना, आपको जैसा लगे सॉन्ग, जैसा चाहिए आपको, आगे पीछे जो भी आपको वहाँ से कट पिट करना है वो आप कर लो। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके इक्वलाइजर पे जाना है और बेस बूस्टर पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि इसकी बेस बढ़ जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई सा भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आप लिखो या ना लिखो इसका कोई काम नहीं है। और मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत सी अमेजिंग सी चीज़ देने वाला हूँ, उसके लिए वीडियो में आप बने रहें। इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, सबसे कम क्वालिटी में करना, कोई ज़्यादा क्वालिटी करने की बात नहीं है। तो इसे फिर एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से आप सब डिलीट कर दो, और डिलीट करने के बाद आपने जो भी एक्सपोर्ट किया था अभी उसे वापस से ले लेना है। तो इसको लेने के बाद फिर आप इस पर क्या करना कि इस जो ये जो लेयर है इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर थोड़ा नीचे जाना। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ लिखेगा वॉल्यूम एनवेलप, तो इसमें 3 सेकेंड आगे और 3 सेकेंड पीछे साइड आपको फेड कर देना है। जो फेड इन फेड आउट होता है ना, तो वो करना है यहाँ पर। तो की मार्कर करके इसे ऐसा कम कर दो, 3 सेकेंड तक कम कर देना है। और कम करने के बाद यहाँ इक्वलाइजर जो है इसको हिप हॉप पे कर देना है। तो यहाँ से तो आपका ये कम से कम नो कॉपीराइट का थोड़ा काम तो हो गया। यहाँ 0.8 करना है, 0.8 के नीचे आप कितना भी कर सकते हैं। तो ये आपका बन गया नो कॉपीराइट सॉन्ग। अगर आपको इसको लॉफी में बनाना है, तो लॉफी में जिसे वो रिवर्ब होता है ना स्लो के साथ, तो इसको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ये जो रिवर्ब का ऑप्शन है इसमें भी आपको नीचे जाना है, और यहाँ स्प्रिंग रिवर्ब पे क्लिक कर देना है। तो स्प्रिंग रिवर्ब पे क्लिक करने के बाद आप सुन सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। कुछ इस तरीके का ये सॉन्ग बन जाएगा। और मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज देने वाला हूँ जिससे आप आराम से कॉपीराइट रिमूव कर सकते हैं। आपको लेयर पे क्लिक करना है, और जो वीडियो में दे रहा हूँ इस वीडियो का पूरा पासवर्ड जो है इस वीडियो में शो हो रहा है, तो आप शुरू से आखिरी तक देख लेना। इसे कॉपीराइट रिमूवर मैंने खुद से बनाया है, तो इससे आप थोड़ा वॉल्यूम एडजस्ट कर लेना, हेडफोन पहन के मत इसको यूज करना। और अगर आप देख लेना, आपको जैसा भी लगे वॉल्यूम अपने आप से एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा बेस है जो कॉपीराइट रिमूव कर देता है। तो आप सारा ये वर्क करने के बाद इसको आखिरी में लगा सकते हैं पूरे सॉन्ग के ऊपर, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। तो ये वॉल्यूम को आप जो लेयर वाली वॉल्यूम है उसको आप कम कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बेस लग रहा है। तो ये बेस थोड़ा कम कर लेना, जो अभी मैं करके दिखा दूंगा आपको कि कैसे करना है। और ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहा है ये इतना बेस नहीं आता है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कारण बस आपको ऐसा लग रहा है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये बेस थोड़ा कम हो जाता है और क्लियर हो जाता है। और ये स्लो होने के बाद जो आपको आवाज़ मोटी पतली जो भी लगती है, यहाँ आप मिक्सर में जाके पिच को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप सुन सकते हैं ये कैसी आवाज़ आ रही है, आप इसे पतली मोटी जैसी भी चाहें वैसी आवाज़ पिच को कम ज़्यादा करके कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बाकी सॉन्ग तो नो कॉपीराइट पूरी तरीके से हो चुका है। और ये बेस को आप अगर आपको ज़्यादा लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा बेस है, तो आप बेस को कम भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। पर देखना, आपको अगर नो कॉपीराइट बनाना है तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। पर देख लेना सॉन्ग अच्छा भी लगे, ऐसा बनाओ कि सॉन्ग अच्छा भी लगे, कोई ख़राब ना हो, और इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसको नो कॉपीराइट बनाओ।
और कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी होते हैं जिस पे कॉपीराइट क्लेम हटता ही नहीं है। तो हाँ, कुछ ऐसा होता है, रेयर कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि, या फिर मतलब कोई रेयरली सॉन्ग होते हैं बॉलीवुड वगैरह के जो मतलब होते ही नहीं है नो कॉपीराइट, तो देख लेना एक आध दो सॉन्ग तो आपको ऐसे ही होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ जाओगे आपको क्या कैसा करना है सब कुछ। ये मैं अपने हिसाब से इसको वॉल्यूम को एडजस्ट कर दे रहा हूँ, तो आप भी वॉल्यूम को अपने हिसाब से एडजस्ट करना, क्योंकि ये इतना काम तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और जो भी आपका पासवर्ड वगैरह का है, जो भी आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, क्या कैसा जो भी है, तो आप पार्ट वन में जाके देख सकते हो कि कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप जेड आर्चीवर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इजीली आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाओ और पासवर्ड जो है, ये पूरी वीडियो में एक एक शो हो रहा है, फुल कैपिटल लेटर में है, कोई गैप नहीं है, तो आप इसको आराम से देख सकते हो। और मैं आगे में मतलब कुछ आपको ऐसे इफेक्ट देने वाला हूं जो आपके सॉन्ग को और अमेजिंग से बना देंगे, तो पार्ट थ्री के लिए रेडी रहना। पार्ट थ्री हाँ थोड़ा लेट होएगा, लेट वीडियो लाने के लिए मैं आप सबको सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि मैं भी इधर थोड़ा बिजी हो जा रहा हूँ। तो अगर मैं फ्री रहूँगा तो मैं आपके लिए बना दूँगा, आपके लिए तो सब कुछ कर दूँगा मैं। तो आप इस वीडियो को बस अच्छा सपोर्ट दिखाओ और इस नो कॉपीराइट सॉन्ग को आप देख लो कि मैं कैसे बनाता हूँ। और पीसी वालों के लिए तो भाई क्या बताऊँ मैं, उनके लिए बहुत सिंपल और ईजी है। तो मैं पीसी वालों की नेक्स्ट वीडियो पीसी वालों के लिए ही सोच रहा हूँ लाने का। तो आप कमेंट में बताओ पीसी वालों, अगर आपको चाहिए तो बताओ, और मैं वोट भी कर देना। अगर मैं वहाँ कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूंगा पीसी और एंड्रॉयड के लिए, तो वोट कर देना और देख लो आपके हिसाब से। तो ये मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, तुम भी पूरी वीडियो को एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, बाय बाय।